एकता कपूर की नागिन सीरीज से टीवी की कई एक्ट्रेसेस को नाम और शोहरत दोनों मिले हैं। नागिन 1 की मौनी रॉय हो, अदा खान हो या फिर नागिन 3 की सुरभि ज्योति हो, इस शो के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और इन 6 सीजन में कई हीरोइंस नजर आई हैं नागिन के रूप में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एकता की कौन सी नागिन कितनी अमीर है और कितनी संपत्ति है इनके पास? अगर नहीं तो हम आपको यहाँ एक एक के बारे में बताते हैं। तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश नागिन सीजन 6 में वासुकी कबीले से सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन के लीड रोल में दिखाई दी। तेजस्वी एक एपिसोड के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए ले रही हैं और तेजस्वी की कुल संपत्ति की बात करें तो ये लगभग 19 करोड़ बताई जाती है। हिना खान। हिना खान ने नागिन के 5वें सीजन में सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन के रूप में कैमियो किया और उस एक एपिसोड के लिए उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपए लिए। हिना की कुल संपत्ति 7 मिलियन अमेरिकन डॉलर है जो लगभग 52 करोड़। सुरभि चांदना। सुरभि नागिन 5 में सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन के रोल में दिखाई दी और उन्होंने एक एपिसोड के लिए 1,20,000 रुपए चार्ज किए। फिलहाल सुरभि की संपत्ति 2 मिलियन अमेरिकन डॉलर है जो कि लगभग 14 करोड़ है। निया शर्मा। निया शर्मा ने हर एपिसोड के 40,000 रुपए लिए थे सीजन 4 में। निया की संपत्ति की बात की जाए तो ये 8 मिलियन अमेरिकन डॉलर है जो लगभग 59 करोड़ है। करिश्मा तन्ना। करिश्मा तन्ना सीजन 3 में दिखाई दी थी और उन्होंने एक एपिसोड के लिए 50,000 रुपए फीस ली थी। उनकी कुल संपत्ति 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जो लगभग 37 करोड़ है। अनीता हसनदानी। अनीता ने सीजन 3 में काल कुत कबीले से नागिन के रूप में एंट्री की। अनीता की नेटवर्थ 4 मिलियन USD है जो लगभग 25 करोड़ के आसपास है। सुरभि ज्योति। 2022 में सुरभि की कुल संपत्ति 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जो लगभग 24 करोड़ है। आपको बता दें कि सुरभि बेला के रूप में नागिन सीजन 3 में दिखाई दी थी और उन्होंने एक एपिसोड के लिए 60,000 फीस ली थी। और मौनी रॉय। मौनी रॉय सीजन 1, 2 और 3 में नजर आई। वो एक फिल्म या म्यूजिक वीडियो के लिए लगभग 50 लाख से 1 करोड़ चार्ज करती है और उनकी नेटवर्थ है लगभग 40 करोड़ के आसपास।